आप जंगलम से जान ही सकते हो कि ये मूवी जंगल पर बेस्ड है। इससे पहले भी काफ़ी मूवी जंगल पर आ चुकी है, बट दिस इज स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज वेन एवर यू विल वॉच दिस मूवी यू कैन फील दैट यू आर इन द फॉरेस्ट। एंड फॉरेस्ट में जाने के बाद क्या क्या एडवेंचर होते हैं, स्पेशली जब आप ग्रुप में जाते हो तो यू विल एन्जॉय इट मोर। एंड क्या क्या एडवेंचर होते हैं वहाँ पर, क्या घटनाएँ होती हैं, उन सबको आप देख सकते हैं। और हम इस मूवी के थ्रू हमारा एक मोटिव है कि हम अपनी ऑडियंस को एक मैसेज पहुंचाएं, जिसकी टैगलाइन है ग्रीन जंगल क्लीन जंगल, कि पेड़ को मत काटो बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग ऑन द अर्थ। जंगल से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, जंगल ही इको बैलेंस करता है। और जब भी हम जंगल में जाएं तो वहाँ के रूल्स फॉलो करें, जैसे किसी भी चीज़ को प्लग करके नहीं खाना चाहिए बिकॉज इट मे बी पॉइजनस। एंड हाँ, इट्स अ हॉरर थ्रिलर मूवी, बट इस मूवी में और मूवी की तरह भूत उड़ते हुए नहीं दिखेंगे, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से हम लोग इस मूवी को शूट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मूवी में हमारे साथ बहुत ही सीनियर लोग जुड़े हैं, शेतु श्री राम जी डीओपी है, तो इस मूवी का मज़ा और भी डबल हो जाएगा। गणेश दा कोरियोग्राफ कर रहे हैं, संतोष जी मेकअप दे रहे हैं, और म्यूज़िक सब विशाल मिश्रा जी दे रहे हैं, अरिजीत सिंह जी एक सॉन्ग कर रहे हैं, नेहा कक्कड़। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस मूवी के थ्रू मेरा अच्छा डेब्यू होगा। सोशल अवेयरनेस एंड ओके सोशल अवेयरनेस के साथ साथ
जैसा कि मूवी में एंटरटेनमेंट होता है, सॉन्ग्स होते हैं और हर कैरेक्टर की अपनी स्टोरी होती है. मेरा जो कैरेक्टर है, आई एम प्लेइंग किया, हु इज़ वेरी सेंसिबल. वेन एवर शी टॉक सेंस, शी आई कॉन्ट रिवील द स्टोरी एज ऑफ नाउ. यू हैव टू वेट टिल द मूवी रिलीज. आई जस्ट कैन शेयर दिस मच ओनली. एनी क्वेश्चन? यस, राइट नाउ आई एम डूइंग थिएटर. लास्ट टू ईयर से मैं थिएटर कर रही हूँ. अभी भी मेरा नाइन्थ मे को पृथ्वी में एक प्ले है, मोयरांग थोएबी. तो मैं बेसिकली थिएटर से जुड़ी हूँ टू ईयर से. और उससे पहले मैंने काफ़ी ट्रेनिंग की है टेरेंस लुइस से. मैंने डिप्लोमा किया है डांस में, मार्शल आर्ट की है, एरियल सिल्क पोल डांस. 3-4 ईयर से मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही हूँ कि ताकि मैं एक अच्छा डेब्यू कर पाऊँ, अच्छा परफॉर्मेंस दे पाऊँ. आई थिंक दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म. हाय, मेरा नाम है अयान अली अब्बास. मैं कंपोज़र हूँ और आज के इस इवेंट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. और बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, इसका एक गाना मैं कर रहा हूँ, टाइटल ट्रैक. म्यूज़िक बहुत अच्छा होने वाला है इसका, समथिंग वेरी न्यू एंड जो अभी चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग होना है. एंड प्रणव के साथ मेरा ऑलमोस्ट 8-10 साल से एसोसिएशन है, हम साथ में काफ़ी काम कर चुके हैं. अब होपिंग ये प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा हो और इसका गाना भी बहुत अच्छा हो. डिफ़िकल्ट तो होता ही है, बट पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें अपना बेस्ट दे सकें. थैंक यू, थैंक यू. Very much excited because this is my first Bollywood project. So pretty much excited. Wow! You see the excitement? So because ये प्रणव की फिल्म है, प्रणव वत्स इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं. और प्रणव को मैं कम से कम 8-10 साल से जान रहा हूँ. बहुत ही मेहनती लड़का है, बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में. उसकी वाइफ से मैं ज़्यादा अच्छी मेरी फ्रेंडशिप है श्रुति, उससे मैं प्रणव को मिला. प्रणव के साथ बाद में बहुत सारी बातचीत हुई, फिर पता चला कि ये लिरिक्स राइटर है, ये गाने बहुत अच्छे लिखता है. तो मैंने इसको फर्स्ट टाइम ब्रेक दिया मेरी फिल्म में, हे ब्रो में, और बहुत ही अच्छे गाने लिखे उसने. अभी मेरी और एक फिल्म है उसमें भी ये गाने लिख रहा है और बहुत ही मेहनती है. मैं बोलूँगा प्रणव ऑल द बेस्ट फॉर जंगलम. मैंने स्क्रिप्ट सुनी है, बहुत ही अच्छी है, थ्रिलर है और ये डेफिनेटली अच्छा फिल्म बनाएगा. मैंने सुनी है जंगलम की कहानी, सुनी हुई जंगलम के मैंने पूरे एक एक सीन सुने हुए. बहुत ही कई महीनों से लिख रहा था ये फिल्म, या कई सालों से. और मुझे कहा था कि माशा जी मुझे ये फिल्म करनी है, तो मेरा प्रणव करो बिंदास, मैं साथ में जितनी मेरे से हेल्प हो सकती है मैं करूँगा. इस फिल्म के गाने कर रहा हूँ मैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जो लिरिक्स राइटर था आज डायरेक्टर बन रहा है, उसकी फिल्म में मैं गाने कर रहा हूँ एज ए कोरियोग्राफर. तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होती है जब अपना बच्चा आगे बढ़ जाता है. तो मैं ये बोलूँगा प्रणव ऑल द बेस्ट. और कुछ? या ऑफकोर्स संजू, ये मैंने ही की पूरी फिल्म, राजू की. ऑल सॉन्ग्स आई कोरियोग्राफर रणबीर एंड राजू ईरानी. जिस हिसाब से ट्रेलर देखा, मैं अभी रशिया से आया हूँ, मैं यूक्रेन में था, मैंने वहीं से ट्रेलर से राजू को फ़ोन लगाया, बोला राजू बहुत ही ज़बरदस्त है और जब इसके गाने आएंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे. मैंने पूरी कोशिश की है क्योंकि मैं संजू बाबा को आज से नहीं, मेरे ख्याल से 30 साल से जानता हूँ. जब उन्होंने वो स्टार्ट किए थे तभी मैंने भी स्टार्ट किया था ग्रुप डांसर, तब से मेरी उनके साथ दोस्ती है. तो संजू बाबा की फ़िल्म करना मतलब मेरे लिए दिल की फिल्म करना है. और राजू ईरानी के साथ तो मैंने मुन्ना MBBS की, लगे रहो मुन्ना भाई की, पीके की है और अभी संजू कंप्लीट की, तो बहुत ही ज़बरदस्त है. कहना क्या है, ट्रेलर ने बहुत कुछ कर दिया. ऑफकोर्स जब मैंने पहला गाना किया था और मैंने क्लोजअप लगाया था तो उसने यूं किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि संजू बाबा ही शॉट दे रहे हैं. तो इतनी मेहनत की थी और हम लोगों ने बेसिकली गानों पर भी बहुत मेहनत की है. डिफरेंट डिफरेंट गाने हैं, आपको देखने मिलेंगे. नो रोमांटिक सॉन्ग इन फिल्म. हाँ,
नहीं, मेरे बहुत सारे शागिर्द बेसिकली इंडस्ट्री में हैं, मैं लेकिन खुद एक शागिर्द हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, उनसे ही बहुत सीखा हूँ, आगे ही बहुत कुछ सीखना है। लेकिन ये ज़रूर है कि वो अपना जब नीचे से ऊपर आता है और कुछ बन जाता है तो बहुत खुशी होती है, ऐसा लगता है कि मैं फिर एक बार कुछ बन चुका हूँ और बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं आपके लिए कि आपका कोई एक बंदा है या कोई कोरियोग्राफर हो या असिस्टेंट कोरियोग्राफर हो या कोई राइटर हो या कोई आर्टिस्ट हो, बहुत खुशी होती है इस बात की। अभी संजू देखेंगे आप, अभी बागी का गाना देखा आपने, 1, 2, 3 बहुत सारे गाने, खलबली गई, बहुत सारे फिल्में, कंटिन्यू लाइन से फिल्में, नमस्ते इंग्लैंड कर रहा हूँ मैं, फिर सुपर 30 कर रहा हूँ मैं, और कोरियोग्राफी में बहुत सारे फिल्में लाइनअप हैं। बहुत ही अभी भी मैं 50% पहुँचा हूँ, नेक्स्ट ये 2018 ख़त्म हो जाएगा तब तक मैं मेरे गोल पे पहुँच जाऊँगा कि मुझे एग्जैक्ट क्या फिगर पे रुकना है। ओके, थैंक यू। इज प्रीटी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई डोंट थिंक देयर इज सच काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट राइट नाउ इन बॉलीवुड इंडस्ट्री, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट मोर एंड अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड अबाउट द स्टोरी एंड अबाउट एवरीथिंग। आई थिंक द डायरेक्टर्स एंड द क्रिएटर्स एंड द प्रोड्यूसर्स माइट हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट, सो या थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। देखिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अच्छी स्क्रिप्ट है एंड प्रणव जी के साथ पहली बार काम करने का मौका मिल रहा है, द टीम इज़ वेरी गुड, आई एम वेरी एक्साइटेड हियरिंग दैट सेतु साहब इज़ द कैमरामैन ऑफ दिस फिल्म एंड द वे द होल स्क्रिप्ट इज़ द वे माय कैरेक्टर इज, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड जेन्युइनली, बहुत ज़्यादा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्रोजेक्ट एंड आई होप इट बिकम्स व्हाट द स्क्रिप्ट इज। देखिए मुझे लगता है वैसे भी द होल स्टाइल ऑफ द स्क्रीन प्ले ऑफ दिस फिल्म इज़ वेरी यूनिक, जिस तरीके से इन लोगों ने जंगल को यूज़ किया एज अ कैरेक्टर, दैट इज़ समथिंग वेरी यूनिक, दैट इज़ समथिंग वेरी न्यू एंड आई होप वो थ्रिल जो है दैट कम्स अक्रॉस ऑन द स्क्रीन। मुझे अक्सर डिफरेंट कैरेक्टर्स ही मिलते हैं, ये आप सच मानिए, ऐसा नहीं है कि मैं ही डिफरेंट कैरेक्टर्स ढूंढता हूँ, मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स ही दिए जाते हैं, बट आई एम वेरी ग्लैड, कैसे हैं भाई, आई एम वेरी ग्लैड कि आई गेट दीज काइंड ऑफ डिफरेंट रोल्स, आई गेट अ वेरी डिफरेंट अप्रोच, मेरे डायरेक्टर्स हमेशा चाहते हैं कि मैं कुछ अलग करूँ एंड यस इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर एक ग्रे शेड कैरेक्टर है, कैरेक्टर का नाम है रणवीर राणा एंड वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर है एंड ही इज़ दी ओनली वन जिसको पता है कि इस फॉरेस्ट में कितनी भूल भुलैया हैं, इस फॉरेस्ट के सारे डार्क सीक्रेट्स वो जानता है एंड किस तरीके से वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाता है। संजय दत्त बिग टाइम मैन, व्हाट आर यू सेइंग, डोंट यू सी इट, एवरीवन, ऑल ऑफ अस आर अ फैन, एनीवन हु इज ग्रोन अप इन 80s और 90s इज अ बिग फैन ऑफ संजय दत्त, हैज टू बी, ही इज अ पॉप आइकॉन, इट गोज विदाउट सेइंग। Yeah. Oh, I am so looking forward to it. I think Ranbir has nailed it to the T. It's so good. And we couldn't have had a better director than Mr. Hirani to direct it. And with Vinod Chopra and the whole team presenting it. I'm really looking forward to it because hum log bade hue hain, you know, idolizing Sanju Baba. You know, his gym. He's the one who bought it all. So just looking forward to that film. I hope it's as good as we're expecting it to be. After this, there is another film that's coming up, that's Zehen. Then there is a Punjabi film that's going to be a home production with Dad and me for the first time. Thank you so much. Thank you guys, pleasure. कहाँ चाहते हैं? जी बताइए। Thank you guys. Thank you.